Good morning, dear friends. Welcome at my YouTube channel, English Literature Academy. मैं डॉक्टर सारंग आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आप इस YouTube चैनल पे जो आज वीडियो बनाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और English Literature के संबंधित विद्यार्थियों के लिए जो BA First Year English Literature 2021 के पेपर में appear होने वाले हैं उन्हें यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना भी है और समझना भी है क्योंकि आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो 2021 एग्जाम पैटर्न के लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी आपके जो क्वेरीज है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसा कि मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर 2021 का पेपर पैटर्न के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में तो इसके तीन डिवाइडेशन है। पहला है ब्रिटिश पोएट्री, दूसरा है इंडियन पोएट्री और तीसरा है ड्रामा। आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर की ब्रिटिश पोएट्री की जो फर्स्ट पोइम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनसे संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम क्रमवार नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली पोएट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको पूरे सिलेबस के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहेगा। जैसे कि आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पेपर फर्स्ट के ब्रिटिश पोएट्री के बारे में। डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश पोएट्री अगर मैं बात करता हूँ तो 15th सेंचुरी कल्चर को बताने वाले विलियम शेक्सपियर के हमारे तीन पोएट्री सिलेबस में, एक है रिमेम्बरेंस, एक है सेराई कंपेयर दी और नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनुमेंट्स, और इसी में ही है जॉनडन जिनका जन्म 1572 में हुआ, 1564 में शेक्सपियर का रहा, जो दोनों ही कंटेम्पररी राइटर्स हैं। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोनेट है, रिलीजियस सोनेट है, डेथ बी नॉट प्राउड। डियर स्टूडेंट, 2021 पेपर पैटर्न के अनुसार ये दोनों के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड आपके छोटे प्रश्न भी पूछे जाएगा और इसमें से आपके एक्सप्लेनेशंस भी पूछी जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा रिमेम्बरेंस की। डियर स्टूडेंट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा सोनेट है रिमेम्बरेंस, जिसमें कवि ने अपने मित्रों के बारे में लिखा है। यहाँ पे कवि जो है ये सोनेट अपने मित्रों को डेडिकेट करता है और अपने मित्रों को डेडिकेट करते हुए शेक्सपियर ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए मेरे जीवन में मेरे मित्रों का ही योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, उनको याद करके मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया हूँ, लेकिन जब मैं उनको रोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई ऐसा ऋण चुका रहा हूँ जो मैं उन्हें कभी चुका नहीं पाया। तो इस कविता में शेक्सपियर अपनी ट्रू डेवोटेशनल चीजें प्रस्तुत करता है और ये कहना चाह रहा है कि उसके जीवन में उसके मित्रों का बहुत योगदान रहा। डियर स्टूडेंट, 2021 पेपर पैटर्न के अनुसार रिमेम्बरेंस बहुत ही अच्छी पोइम है। इससे रिलेटेड आपको थीम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में, और यह पूछा जा सकता है कि साबित कीजिए कि विलियम शेक्सपियर वाज अ ट्रू लवर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, कि किस प्रकार वह उसका बेस्ट फ्रेंड था। और फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि हाउ विलियम शेक्सपियर इज पेइंग हिज ट्रू ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड्स, वो कैसे अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। तो इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब आप इसका लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखें, तो आप राइटर का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी के साथ इसका डिस्क्रिप्शन जरूर दें। तो 2021 पेपर पैटर्न के अनुसार रिमेम्बरेंस बहुत अच्छी पोएम है। सेराई कंपेयर दी गई एक सोनेट पोएम है, इसने भी अपने मित्रों पे डेडिकेट की है, जिसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं गर्मी के दिनों से अपने मित्रों की तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि गर्मी के दिन बहुत परेशान करने वाले होते हैं, जबकि मेरे मित्र जो है वो ऐसे नहीं थे, वो हमेशा सदाचारी थे, स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे, परोपकारी थे, दयावान थे, लेकिन गर्मी के दिन सभी लोगों को परेशान करते हैं और ये जलवायु के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों के स्वभाव में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से कवि जो है he is not interested to compare his true friend's beauty with the summer beauty, वो उससे कभी भी तुलना नहीं करना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से शेक्सपियर ने अपने मित्रों के प्रति अपने लगाव को, अपने समर्पण को व्यक्त किया है। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनुमेंट बहुत अच्छा सोनेट है, जिसमें शेक्सपियर ने कहा कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समय हर चीज को नष्ट कर देता है, लेकिन समय मेरे मित्रों को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब मेरी कविता पढ़ी जाएगी मेरे मित्रों को याद किया जाता रहेगा। तो मैं बीए फर्स्ट ईयर राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा
कि वो विलियम शेक्सपियर के तीनों पोएमों को बड़े ध्यान से पढ़े, इनसे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि आप इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन से संबंधित प्रश्न को जरूर लर्न करें, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। और इसी के साथ डल की डेथ बी नॉट प्राउड, इस पर डन ने डेथ को पर्सोनिफाइड किया है माई डियर ड्रिंकफुल करके, और कभी कहता है कि डेथ इज आल्सो अ स्लेव सो इट इज नॉट अ थिंग टू बी फियर, ये डरने की चीज नहीं है। वी शुड नॉट फियर टू द डेथ बिकॉज डेथ इज आल्सो अ स्लेव, क्योंकि मृत्यु खुद एक गुलाम है, राजा के आदेश की, डिस्परेट मैन की, सिकनेस आदमी की, इनकी गुलाम है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मृत्यु घमंड करने वाली चीज है? तो इस तरह से कभी मृत्यु को पर्सोनिफाइड करता है, मृत्यु को ललकारता है कि डेथ इज ओनली द मीन ऑफ सोल डिलीवरी, केवल ये मुक्ति का साधन है। कभी कहता है कि मृत्यु हमारे शरीर को मारती है, हमारी आत्मा को नहीं मारती है। तो इस तरह से आप कविता के थीम को समझे, इसकी समरी को पकड़े, और फिर इस कविता से रिलेटेड जो छोटे प्रश्न आएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर की आप तैयारी करें। तैयारी कैसी करनी है इससे संबंधित हम लॉन्ग क्वेश्चन से और छोटे क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो आपको जरूर बनाएंगे और आपको उनके बारे में जरूर बताएंगे। आप इस वीडियो में अभी यही देखें कि हमें विलियम शेक्सपियर और जॉन डन से रिलेटेड इन सभी पोएमों को लर्न करना है, क्योंकि आपके छोटे प्रश्न, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से जरूर बनेगा। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगे, कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और अपनी क्वेरी जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।